बिहार में शराब बंद है, इसके बावजूद जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। अक्सर एक दो मौतों की खबर आती रहती है और जहरीली शराब से एक दो मौतों को ना प्रशासन सीरियसली लेता है, ना मीडिया सीरियसली लेती है और ना ही जनता। पर जैसे ही आंकड़ा दहाई पार करता है, जहरीली शराब से मौत की खबर हेडलाइन बननी शुरू हो जाती है। ताजा मामला मोतिहारी का है, जहां 14 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है और मौत का कारण जहरीली शराब बताया जा रहा है। रोना धोना चित्कार बर्बादी, ये तस्वीर मोतिहारी की है, जहां एक के बाद एक 14 लोग मर गए। कैसे मरे कोई कुछ कह नहीं रहा, पर दबी जुबान में कहा जा रहा है कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीकर मौत हुई है। घटना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने जांच के आदेश दिए हैं। सदर और अरेराज के अनुमंडल पदाधिकारी को संबंधित गांवों में जाकर जांच रिपोर्ट देने को कहा है। हम लोग अभी इसी का जायजा लेने आए हैं कि क्या कंडीशन है, वजह क्या है, कुछ समझने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। ये तो टीम आई है, जांच वाली टीम आई है, वही बता पाएगी कि वजह क्या है, मेन वजह क्या है। शुक्रवार की शाम अचानक से पहली घटना तुरकौलिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर में हुई। यहाँ के बैरिया बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में रामेश्वर राम उर्फ जटा राम की मौत हो गई। वहीं इसी गांव के ध्रुव पासवान ने मोतिहारी के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि अशोक पासवान और छोटू पासवान ने मुजफ्फरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। मौतों का सिलसिला यही नहीं रुका, एक के बाद एक फिर मौत का आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। काम शुरू कराएगा वही है, ये किसके साथ भी एजी विद डिमिनिश विजन है, बाकी सब एजी डिमिनिश विजन में है। जी सर, एक ये है सर और एक ये है गुड्डू को। लोगों ने सारा लोग मान दारू शराब पी के आए लोग, रात के सुतल लोग, इनका 2 बजे रात के मान दौड़ उठ कर ओवर से ही लोग घूमत फिरत भोली भाई के बोलैल, लोग भोली भाई देखल तो कौन ले गल मोतिहारी गए, लोग वहाँ भर्ती भर साथ के डेट कर। सारे टोला में बनता है, सारे थाना में बनता है, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ दारू नहीं बिकता है? तो लोगों की मृत्यु हुआ है अब तो पूरा हमको जानकारी नहीं है। हम चले हैं अभी पते लगाने के लिए कि कैसे मृत्यु हुआ है, लेकिन पता लगा है कि 2 आदमी का मृत्यु हुआ है और 3 आदमी हॉस्पिटल में है। पटना ले शराबबंदी वाले बिहार में शराब से मौतों की ये तस्वीर नई नहीं है और शायद यही कारण है कि बिहार के लोग इन मौतों पर बहुत आश्चर्यचकित नहीं हैं। पर जो घर उजड़ गए हैं वो तो पूछ रहे हैं, हुजूर ये कैसी शराबबंदी है। मोतिहारी से लाइव 7 टीवी के लिए विनोद की रिपोर्ट।